पिछली वीडियो में अपन ने देखा था एंड गेट और गेट के बारे में। इस वीडियो में अपन देख रहे हैं नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट कम्बो भरा है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा लेते हैं। नॉट गेट, नॉट अगर सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी दिखाई देगा। नॉट गेट, तो नॉट गेट क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे पहले इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। नॉट गेट का डायग्राम, डायग्राम कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नॉट गेट को डायग्राम में ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉट गेट के अंदर सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि दो बिट नहीं होती है, सिंगल बिट होती है। मतलब कितनी बिट कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन जो नॉर्मली या फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, वो सिंगल बिट के लिए रहता है। ए बिट अपन मान सकते हैं जिसको, सिंगल बिट के लिए रहता है। जैसे इसका जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ए लगाना बहुत जरूरी है, ये जो अपन ने गोला बनाया ना बीच में, इसको लगाना बहुत जरूरी है। ए यहाँ पे बाई है और ए यहाँ पे ए है। और नॉट गेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट। अगर जैसे बाई की वैल्यू जो आएगी, बाई की वैल्यू क्या आएगी, ए नॉट। ये जो ऊपर साइन दिख रहा है ना आप, ये साइन ही नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये वैल्यू जो है वो नॉट गेट है। अब इसकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि अपन जो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक बिट के लिए होता है। कितनी, एक बिट के लिए। अब क्योंकि एक बिट के लिए होता है तो एक बिट क्या होगी, मतलब अगर बाइनरी के फॉर्म में देखा जाए तो क्या होगा, जीरो होगा या वन होगा। और ए अपन ए बिट मानना है तो यानी कि जो इसका बाई, यानी कि जो आउटपुट आएगा इसका, वो ए नॉट आएगा। तो ए नॉट का यहाँ पे मतलब क्या होता है, अब आती है मेन बात जो नॉट गेट फॉलो करता है। क्या करता है, जैसे ए के अंदर अगर जीरो है, ए के अंदर जीरो है तो ए नॉट पे जाके वो वैल्यू हो जाएगी वन। ध्यान रखना, ए के अंदर जीरो है तो ए नॉट पे वैल्यू जाके हो जाएगी वन, और अगर ए की वैल्यू अगर वन है तो ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पे नॉट गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट कह रहा है कि जो भी आप बिट हमको दोगे, अगर आप हमें कोई भी बिट दोगे तो हम उसका अपोजिट बिट बना के आपको दे देंगे। क्योंकि अपन को मालूम है केवल दो बिट होती है, जीरो और वन। बिट का रिप्रेजेंटेशन केवल दो तरीके से होता है, जीरो से और वन से। तो जीरो का वन बना के दे देगा और वन का जीरो बना के दे देगा। तो इसी तरीके से इसका आउटपुट या फिर जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी, जीरो का वन, वन का जीरो। अब यहाँ पे यही नहीं है कि केवल सिंगल बिट के लिए ही फॉलो हो सकता है। अपन जब नॉर गेट, नैंड गेट और जितने भी गेट जो नॉट और एंड या नॉट और ऑपरेटर की मदद से जितने बनते हैं, तो वो गेट के अंदर कितना एक से ज्यादा बिट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से फॉलो करता है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखने वाली बात ये थी कि इसका काम नॉट गेट अगर लगा दिया तो नॉट गेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ये इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। और ये जो आपने जो गोला बनाया है ना, इस गोला का लगाना बहुत जरूरी है, यही रिप्रेजेंट करता है कि हमारा ये गेट जो है वो नॉट गेट है। ठीक है, तो नॉट गेट में वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपन नॉर गेट और फिर नैंड गेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एंड और नॉट दोनों गेट से मिलकर बनता है, और नॉर गेट और गेट और नॉट गेट दोनों गेट से मिलकर बनता है। ठीक है, नेट मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल ऑफ यू।